ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवद गीता चैप्टर 5th ये हमने स्टार्ट किया था। तो जो 5वां अध्याय है भगवद गीता का, इसका एक्रोनिम है स्टेप, STENP। तो शुरू के जो 12 श्लोक हैं, एस स्टे इन दिस वर्ल्ड, तो वो 12 श्लोकों में भगवान ने बताया है किस प्रकार से ये संसार में रहते हुए व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त रह सकता है। 53 डुअर्स, 13 से लेके 16 तक, जो थ्री डुअर्स का कॉन्सेप्ट है कि कैसे जीवात्मा भी एक डुअर है, उसके बाद जो प्रकृति है वो भी एक डुअर है, और फाइनली भगवान जो सेंक्शन करते हैं। 17 से 26 है ई, ई फॉर इक्वल विजन, पंडिता समदर्शिना। तो किस प्रकार से जब सुपर सोल पे फोकस करते हैं, जब परमात्मा पे जो योगी फोकस करता है, तो भगवान के संबंध में जब चीजों को देखता है, संसार को देखता है, तो समदर्शी हो जाता है। पी फॉर पीस, जो 29th वर्स है, मोक्तारा यज्ञ तपसा, उसमें पीस फॉर्मूला बताया है। तो इसको पहले के 6 श्लोक रिसाइट करेंगे, इसको देखेंगे आज। अर्जुन वाचा संन्यासं कर्मणां कृष्णा पुनर्योगं च शंससि यत् श्रेयाय तयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान वाचा संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयस्य करावुभौ तयोस्तौ सकर्म संन्यासात् कर्मयोगो वशिष्यते। गे सा नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टति न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम् माप्यास्थिता सम्यग् उभयो विन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद् उद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम चा या पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोग्यता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। अर्जुन वाचा संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम च शंशसि यत् श्रेयम् एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। जो दशा 3.1 में तीसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने जो प्रश्न किया था, वही अर्जुन वापस से करते हैं। संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम च संशय। तो भगवान आप बताइए, पहले आपने मुझे संन्यास के लिए बोला, कर्मणाम सारे कर्मों का त्याग करने के लिए बोला, पुनर्योगम वापस से आप मुझे कर्म में लगने के लिए बोल रहे हैं। दोनों की आप प्रशंसा कर रहे हैं। यत् श्रेयम्, इन दोनों में से श्रेयस्कर क्या है? एत यो रेकम, एक इनमें से कोई चीज मुझे बताइए। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, सुनिश्चित करके आप मुझे कोई एक चीज बता दीजिए। तो जो 5वां अध्याय है, ये है कर्म संन्यास योगा, कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस।
तो चैप्टर के शुरू में अर्जुन वही प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे लिए बेसिकली क्या चीज बेटर है, मुझे कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सीधे शब्दों में अर्जुन ये पूछ रहे हैं। तो कई बार संसार में लोग जो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो पहले तो पैशन में बहुत काम करता है रजोगुण में, और कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो वो बोलता है कुछ नहीं करना चाहता, बोलता है मैं सब छोड़ दूंगा, लाइक दैट, दे डोंट वांट टू एक्ट। पर वो बोलता है ऐसा कि मैं सब छोड़ दूंगा, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि जो प्रकृति के तीन गुण हैं वो उसको पुश करते हैं क्रिया करने के लिए। हाँ, कोई भी व्यक्ति क्रिया है वो छोड़ नहीं पाता है। तो भगवान ने अर्जुन से भगवत गीता क्यों बोली, क्योंकि अर्जुन ने दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में यही प्रश्न किया, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है वो आप बताइए। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मोहन चेता। तो शिष्यस्ते हम शादी मामतम प्रपन्न यत श्रेयम एतयोरेक। तो 2.7 में भी अर्जुन यही पूछ रहे हैं कि मेरे लिए श्रेय क्या है, श्रेयस्कर क्या है। तो वैदिक शास्त्रों में दो वर्ड हैं, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस मतलब व्हाट इज गुड फॉर अस, श्रेयस मतलब जो हमारे लिए अच्छा है, प्रेयस मतलब विच मेक्स वन फील गुड। अंतर है दोनों में, श्रेयस मतलब विच इज एक्चुअली गुड फॉर अस, जो वास्तव में हमारे लिए अच्छा है, और प्रेयस मतलब विच मेक्स वन फील गुड, जो व्यक्ति को लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है लेकिन वो अच्छा नहीं है। जैसे स्मोकिंग करना, वो व्यक्ति को अच्छा लगता है लेकिन वो व्यक्ति के लिए वास्तव में अच्छा नहीं है स्मोकिंग करना। तो इन दोनों में क्या है, सूक्ष्म अंतर है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं, 2.7 में भी वही पूछा, 3.2 में भी वही पूछा, और 5.1 में भी वही पूछा कि मेरे लिए श्रेयस्कर है जो है वो आप मुझे बताइए, जो मेरे लिए वास्तव में अच्छा है, ये पूछ रहे हैं अर्जुन। तो जो थर्ड चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर है, वैसे तो सिमिलर है लेकिन थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। तो अर्जुन ने जो प्रश्न किया, तो भगवान आंसर करना शुरू करते हैं। भगवान तो बताएंगे अभी दूसरे श्लोक में कि दोनों चीज अच्छी है, हाँ, वर्क इन डिवोशन, लेकिन क्या है, कर्म योगो विशिष्यते, वर्क इन डिवोशन इज बेटर देन रिनन्सिएशन। जो कर्म योग है, कर्म संन्यास से तुम्हारे लिए बेटर है। तो इस चैप्टर में भगवान अर्जुन को वही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा डीप में बताएंगे और क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट ये। तो भगवान जब अर्जुन को कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज सातवें स्कंद में बताते हैं संसार में कैसे लोग कर्म में लगे हुए हैं, वो पागल है इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अरे मैं तुमको वैसा कर्म करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि गधे की तरह काम करो, इतना काम करो, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कर्म योग के लिए बोल रहा हूँ, पूरी कृष्ण भावना भावित चेतना में तुमको कर्म करना है। तभी प्रश्न होता है कि भगवान कर्म संन्यास को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, रिनंसिएशन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं भगवान, क्योंकि रिनंसिएशन ऑफ वर्क इज नॉट आर फिलॉसफी, आर फिलॉसफी इज डिटैचमेंट। कर्म का त्याग करना हमारा सिद्धांत नहीं है, हमारा सिद्धांत है कर्म से आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, कर्म फल से आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। तो डिटैचमेंट और रिनन्सिएशन लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो ये हमारा फिलॉसफी ही नहीं है शास्त्र का कि हमको कर्म का त्याग करना है। तो जो कर्म का त्याग है उससे स्पिरिचुअल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो डिटैचमेंट है, अनासक्ति है, वो सब कुछ है स्पिरिचुअल लाइफ में। तो डिटैचमेंट क्या है, अनासक्ति है, रिनन्सिएशन क्या है, वैराग्य। इन दोनों में अंतर है, एक चीज में आप वस्तु का त्याग करते हैं, दूसरी चीज में आप वस्तु से आसक्ति का त्याग करते हैं। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम कहाँ भागोगे भाई, तुम यहाँ से जंगल जाओगे, कहीं और जाओगे, जंगल में भी तो यहाँ जंगल में सोच रहे हो तुम कुछ इंद्रिय तृप्ति नहीं है, वहां भी तो फलों के पेड़ लगे हुए हैं, फॉरेस्ट में भी फ्रूट है, हाँ, तो कहाँ तक आप फ्रूट को छोड़ोगे, कहाँ तक भागोगे संसार। तो भगवान बोलना शुरू करते हैं, श्री भगवान वाचा
संन्यासा कर्म योगश्च निश्चयस्य करावबोधयोस्तो कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो इस दूसरे श्लोक में अर्जुन को भगवान बताते हैं कर्म योग बेटर है, संन्यासा कर्म योगश्च। संन्यास और कर्म योग मतलब कर्म का संन्यास मतलब कर्म का त्याग करना, और कर्म योग कर्म को भगवान के लिए करना। निश्चयस करा भो, ये दोनों चीज श्रेय को प्रदान करने वाले हैं। तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि आप मुझे बताइए कि भगवान क्या श्रेयस्कर करे, कर्म करना बेटर है या कर्म संन्यास बेटर है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि दोनों चीज बेटर है। हाँ दोनों चीज बेटर है। निश्चयस मीन्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, तो भगवान बोल रहे हैं दोनों लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे एक तरीके से। तो कयोस्तो कर्म संन्यासा, तो कर्म योग है और कर्म संन्यास है। कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग इसमें बेटर है। भगवान बोल रहे हैं देखो दोनों बेटर है, दोनों तुमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, लेकिन इन दोनों में कर्म योग बेटर है। यहाँ पे पॉइंट क्या भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में कि व्यक्ति को इस संसार में क्या चीज एंश्योर करनी है। व्यक्ति को एंश्योर करना है कि संसार बंधन में ना पड़े, वो भव सागर के बंधन ना पड़े। सबसे बड़ा लॉस है वापस से जन्म लेना। हाँ बहुत बड़ा लॉस है शास्त्रों के अकॉर्डिंग। वापस से व्यक्ति इस संसार में आता है, वापस से नर्सरी में जाएगा, केजी में जाएगा। वैसे तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, पर मनुष्य जन्म में भी वापस आना बहुत ऐसा अच्छा चीज नहीं। वापस आएगा, वापस में माँ के गर्भ का दुख, संसार का दुख। तो बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण क्या है? अटैचमेंट, आसक्ति। कोई आसक्ति नहीं, कोई बंधन नहीं, ये सिद्धांत है। इसलिए भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि कर्म योग और कर्म संन्यास ये दोनों क्या है, आसक्ति को प्रिवेंट करते हैं, आसक्ति को काटते हैं। तो इस सेंस में दोनों से तुमको श्रेयस्कर मिल जाएगा। लेकिन कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग इनमें बेहतर है। कर्म योग क्यों बेहतर है? क्योंकि कर्म योग आसान कर्म योग, कर्म का त्याग करना ये जीव का स्वभाव नहीं है, इसीलिए मुश्किल है। कर्म का त्याग करना क्या है? उसका स्वभाव नहीं है, इसीलिए वो उसके लिए मुश्किल है। लेकिन जो कर्म योग है, क्योंकि कर्म करना जीव का स्वभाव है, तो कर्म को डाउटेल करना इजी है। जैसे कोई बच्चा है, अभी आप उसको बोल दो एकदम चुप रहो, वो शोर कर रहा है, आप उसको बोले एकदम चुप रहो, तो बहुत मुश्किल है। वो थोड़ी देर चुप रहेगा, फिर चालू हो जाएगा वो, ये उसको चुप रहना आसान नहीं है। लेकिन वो बच्चे को अगर कहीं बाहर भेज दिया, या उसको कुछ खेलने दे, उसको कुछ एंगेजमेंट आपने दे दिया, तो वो उसके लिए आसान है। तो कर्म ना करना मुश्किल है, कर्म को डाउटेल करना रिलेटिवली इजी है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कर्म योगा इज बेटर। वाई इट इज बेटर? बिकॉज इट इज ईजियर। ये इसी तरह व्यक्ति को बोलो कुछ नहीं बोलना है, तो वो मुश्किल है, एकदम मौन रहना है। तो कई लोगों के लिए मौन रहना बहुत बड़ी तपस्या है, कितने समय तक आदमी चुप रह सकता है। लेकिन आप उसको बोला आप कृष्ण के बारे में बोलो, तो रिलेटिवली इजी है। हाँ तो किसी का संगीत में रुचि है, आप बोलो कुछ गाना नहीं है अभी, तो मुश्किल है। आप उसको बोलो वैष्णव गीत गाओ, तो रिलेटिवली उसके लिए इजी है। तो प्रभुपाद जी हालांकि इस तात्पर्य में कर्म योग और कर्म संन्यास को कंपेयर नहीं करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का तात्पर्य एक ही चीज पे फोकस है, जो काफी हद तक प्रभुपाद जी जो शुरू के 3 श्लोक कोट करते हैं ऋषभदेव की शिक्षाओं से, भागवतम के 5वें स्कंद से। प्रभुपाद जी इस चीज पे जोर देते हैं कि हमको संसार में कैसे बंधन में नहीं पड़ना है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत फेमस श्लोक है ऋषभदेव की, नूनम प्रमत्ता। प्रमत्ता मीन्स जो पागल व्यक्ति है, इंटॉक्सिकेटेड है, तो कुरुते विकर्मा, जो पागल व्यक्ति है वो विकर्म में लगता है। विकर्म क्या है भाई? यद प्रीति यद इंद्रिय प्रीति आपनोति।
इंद्रियों के प्रति जो प्रीति है, तो जो पागल व्यक्ति है इस संसार में वो विकर्म करता है, और विकर्म क्या है? इंद्रिय तृप्ति। जो हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं वो ही विकर्म है। ना साधु मन्ने यत आत्मनोयम, ना साधु मन्ने, ये अच्छा नहीं है। साधु मीन्स ये अच्छी चीज नहीं है। यत आत्मनोयम क्यों अच्छा नहीं है? असन्नपि क्लेश दा आस देहा, क्योंकि जब व्यक्ति इस संसार में इंद्रिय तृप्ति करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन व्यतीत करता है, असन्नपि क्लेश दा आस देहा, उसको एक और देह मिलता है, उसको एक और बॉडी मिलता है, सोल विल गेट अनदर बॉडी। तो उसका भव सागर कंटिन्यू रहता है जब तक व्यक्ति इस संसार में एंजॉय करना चाहता है। तो शरीर का स्वभाव क्या है? सुखदा नहीं है ये, क्लेश दा, क्लेश दा मतलब क्लेश को देने वाला शरीर है। जैसे भक्ति का एक लक्षण है शुभ दा, ऑस्पिशियसनेस देने वाली है, ऐसे ये शरीर क्या है? असन्नपि क्लेश दा आस देहा। ये भौतिक शरीर है, और जब इंद्रिय तृप्ति करते हैं, इंद्रिय तृप्ति में एंजॉय करना चाहते हैं, एक और भौतिक शरीर मिलता है। और भौतिक शरीर के साथ क्या गिफ्ट मिलता है? जैसे आप कोलगेट खरीदते हैं, उसके साथ एक टूथब्रश फ्री मिलता है। ऐसा ऐड आता है ना, इसके साथ ये फ्री, इसके साथ ये फ्री, ऐसे ही शरीर के साथ फ्री है कुछ। क्या फ्री है? क्लेश, मिजरीज फ्री है, जितना कष्ट है वो सब इसके साथ फ्री है। तो भौतिक शरीर हमको प्लेजर देता है, इनसिग्निफिकेंट, हाँ बहुत कम प्लेजर देता है, लेकिन पेन देता है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट प्लेजर और इमेंस पेन देता है हमको। असन्नपि क्लेशदा आप दया। अभी प्रश्न होता है कि व्यक्ति को कब तक ऐसे कंटिन्यू करता रहना पड़ेगा, कब तक व्यक्ति को शरीर लेना पड़ेगा? तो एक्सप्लेन करते हैं, पराभवस तावत, तावत मीन्स जब तक, कब तक? पराभवस तावत अबोध जातो, अबोध मीन्स इग्नोरेंट। जब तक वो व्यक्ति इग्नोरेंट रहेगा, जब तक वो व्यक्ति मूर्ख रहेगा, जब तक वो नॉलेज में नहीं आएगा, ये तो जब तक वो व्यक्ति इग्नोरेंट रहेगा, पराभव मतलब तब तक वो फेल होते रहेगा। क्यों? यावन न जिज्ञासा आत्म तत्त्वम, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति इग्नोरेंट रहेगा, तब तक वो जिज्ञासा नहीं करेगा किसके बारे में? आत्म तत्त्वम, आत्म तत्त्व मतलब आत्मा के तत्व के बारे में। जब तक वो ये समझता नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये तब तक उसको ये मटेरियल एक्टिविटी करेगा, और मटेरियल एक्टिविटी क्या है? इंद्रिय तृप्ति, और इंद्रिय तृप्ति करेगा तो उसको नया शरीर मिलेगा। यावत क्रियस्तावदात इदम मनोवय, तो जब तक उसका माइंड, उसका जो यावत क्रिया, जो उसका जो मन है वो क्रिया में इन्वॉल्व रहेगा। कैसी क्रिया? कर्मात्मकम येन शरीर बंधम। जब तक उसको, जब तक वो इग्नोरेंट है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, तो शरीर की क्रियाओं में मन इन्वॉल्व रहेगा। और ऐसा जब वो कर्म करेगा, शरीर बंधा, तो सकाम कर्मों के कारण उसको एक और शरीर मिलेगा। वास्तव में शरीर और जो आत्मा है ये एकदम अलग है, जैसे कार और ड्राइवर, ये अलग है। तो ड्राइवर कार से उतर के ड्राइवर कार से उतर के पैदल जा सकता है, दूसरी कार में बैठ सकता है, हाँ उसको पकड़ के घर जा सकता है। इसी तरह जो सोल है वो अलग है, और जो शरीर बॉडी है वो अलग है, आत्मा और शरीर एकदम अलग है, और सारी व्यवहारिक चीजों के लिए, हाँ लेकिन इस संसार में, जबकि शरीर और आत्मा एकदम अलग अलग चीज है, दोनों अलग चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए शरीर और आत्मा ये अभी क्या है? एक ही हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि ये हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम ही शरीर हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये है, लेकिन क्योंकि हम शरीर के माध्यम से एंजॉय करना चाहते हैं, तो सारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए सोल क्या है? वो बॉडी के साथ कंबाइंड ही रहता है। तो ये हमको बहुत मुश्किल है समझना कि हम शरीर नहीं है। क्यों नहीं है ये समझना मुश्किल? क्यों है? क्योंकि हम इंजॉय करना चाहते हैं। तो इंजॉयिंग मेंटालिटी जो है, जो भोग करने की इच्छा है, ये सोल को बॉडी से वेल्ड कर देता है। जैसे वेल्डिंग होता है ना, आपने देखा दो रॉड है,
दो रॉड है वो अलग अलग है, लेकिन आप वेल्डिंग करेंगे वो दोनों रॉड जुड़ जाएगी। इसी तरह द एंजॉयिंग मेंटेलिटी वेल्ड्स द सोल टू द बॉडी बिकॉज ऑफ द डिजायर टू एंजॉय। इसको बोलते हैं शरीर बंधा। तो सेंस एंजॉयमेंट और फ्रूटिव एक्टिविटी, ये चीजें। तो जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगता है, और या तो फिर वो इस तरह की क्रियाएं करता है जिससे उसको भविष्य में इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो, जैसे इस संसार में व्यक्ति सकाम कर्म करता है, पैसा कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको उद्देश्य क्लियर है फ्यूचर में मुझे इंद्रिय तृप्ति करना है, तो वह इस संसार में अटक जाता है। ये एवं मना कर्म वशम प्रयुक्ते, तो इस संसार में जो मन है जब तक कर्म के वश में है, कंट्रोल ऑफ कर्मा अविद्या आत्मा उपधीयमान, तब तक व्यक्ति क्या है अविद्या के द्वारा नियंत्रित रहता है। कब तक वो इस संसार में ऐसे रहेगा? प्रीति न यावन मई वासुदेवा, जो लास्ट लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक भगवान के प्रति उसकी प्रीति उत्पन्न नहीं होगी, प्रीति न यावन मई वासुदेवा, जब तक भगवान के प्रति प्रीति नहीं होगी, ना मुच्यते, तब तक मुक्त नहीं हो सकता, देह योगे न तावत, तब तक उसको शरीर लेना पड़ेगा। ये पॉइंट है यहाँ पे। हाँ, इस संसार में हमको कब तक शरीर लेना पड़ेगा? जब तक भगवान से प्रेम नहीं हो जाएगा। जब तक भगवान के प्रति आसक्ति नहीं होगी व्यक्ति, जब तक भगवान के प्रति प्रीति नहीं होगी, तो तब तक संसार का प्रीति छूटेगा नहीं, बार बार उसको ये शरीर लेना पड़ेगा। तो ये जो एंजॉयिंग मेंटेलिटी है, इस संसार में सुख प्राप्त करने की भौतिक स्तर पर जो इच्छा है, इसके कारण व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, आप देखेंगे तात्पर्य में, सबसे पहले 3 श्लोकों को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं। अतः यह ज्ञान कि मैं आत्मा या आत्मा कि वह आत्मा है शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जीव आत्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भव बंधन से उबरने का कोई उपाय नहीं। तो ये जो नॉलेज है, थ्योरी का जो नॉलेज है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इट इज नॉट सफिशियंट फॉर लिबरेशन। तो व्यक्ति को एक्ट करना पड़ेगा स्पिरिट सोल के कंडीशन में। तो इसीलिए प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। तो व्यक्ति जब डिवोशनल सर्विस में एक्ट करता है तो वो बेस्ट है। तो कर्म करना क्योंकि उसके लिए नेचुरल है, इसलिए हमको भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करना पड़ेगा। मन में इतने सारे विचार चलते हैं, व्यक्ति इतनी सारी योजनाएं बना रहा है, कैसे एंजॉय करना है, आज मुझे क्या भोजन करना है, कैसे मुझे ज्यादा रेस्ट करना है, कैसे, और ये तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा सटल लेवल में सूक्ष्म स्तर पे एंजॉय का प्लानिंग बनाता है, और ग्रॉस स्तर पे, तो ग्रॉस स्तर पे आहार निद्रा भय मैथुन चा, और सूक्ष्म स्तर पे पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये कैसे मैं लोगों से अलग हूँ, मैं विशेष हूँ, कैसे लोग मेरा सम्मान करें। तो जितना व्यक्ति, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जितनी योजना व्यक्ति हर दिन एंजॉय करने की बनाता है, हाँ, उसमें से कोई भी एक एक्टिविटी की उसका थोड़ा सा परसेंटेज, अगर इतना प्लानिंग व्यक्ति अपनी भक्ति के लिए कर ले, तो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएगा। ये क्योंकि नेचुरल प्लानिंग उसके माइंड में चल रहा है। दूसरा चीज प्रभुपाद जी लिखते हैं परपोट में, ये श्लोक कोट करते हैं, प्रापंचिकताया बुद्ध्या हरि संबंध वस्तिना मुमुक्षु वि परित्यागो वैराग्य फाल्गु कथ्यते। तो इसमें भगवान लिखते हैं, प्रभुपा जी लिखते हैं, जो भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है उसका जो त्याग करना है फाल्गु वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब एंजॉयिंग मेंटालिटी, भोग करने की इच्छा का त्याग करना, ये सिद्धांत है। तो देखिए, हमारे पास जो भी है ये वैसे भी भगवान का ही है, हमारा तो है नहीं। प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने बोला, प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद आई वॉन्ट टू रिनाउंस एवरीथिंग, मैं सब कुछ त्याग करना चाहता हूँ। और प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, व्हाट व्हाट यू हैव टू रिनाउंस, व्हाट डू यू हैव टू रिनाउंस एक्सेप्ट द फॉल्स कंसेप्शन दैट यू वॉन्ट टू रिनाउंस। हाँ, ये तुम्हारे पास त्याग करने के लिए है ही क्या? ये मिथ्या अहंकार ही तुमको त्याग करना है कि तुम त्याग कर रहे हो, क्योंकि वैसे भी सब भगवान का है।
मैं भगवान का हूँ, ये शरीर भगवान का है, और सब कुछ भगवान का है ये। तो ये फाल्गु मिथ्या, फाल्गु वैराग्य बोला जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, आमी तो तुमार तुम ही तो आमार, के काजे अपारे धाना, कि मैं तो आपका हूँ आप मेरे हैं। तो जब हम भगवान के हैं तो हम लोग के पास जो कुछ है वो सब भगवान का है। तो प्रभुपाद जी का पॉइंट है कि हमको क्रिया का त्याग नहीं करना है या किसी वस्तु का त्याग नहीं करना है, लेकिन इस मिथ्या भाव का त्याग करना है कि ये हमारी है, ये हमारी है, क्योंकि ये सब भगवान का है। तो इसीलिए कर्म योग को स्पेशल बोला गया है, क्योंकि क्रिया का त्याग करना जीव के लिए बहुत मुश्किल है। तो देखिए उदाहरण के लिए, जैसे किसी को 100 रुपए का नोट मिलता है और वो अपने पास रख लेता है, इसको बोलेंगे अटैचमेंट या आसक्ति। दूसरे व्यक्ति को 100 रुपए का नोट मिलता है, वो वहीं छोड़ देता है, इसको बोलेंगे रिनन्सिएशन, उसने रिनाउंस कर दिया, कर्म संन्यास। लेकिन तीसरे व्यक्ति को 100 रुपए का नोट मिलता है, वो जिस व्यक्ति का नोट है, जिस व्यक्ति के पैसे हैं, उसको जाके वो वापस कर देता है, ये है डिटैचमेंट। ये अंतर है रिनन्सिएशन और डिटैचमेंट। तो जो भक्त हैं वो जो कुछ भी है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। तो एक बार जब एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फाउंडर थे, तो उनका एक फोटो प्रभुपा जी के शिष्यों ने दिखाया प्रभुपा जी को, तो पैसे रखे हुए थे बहुत सारे, तो वो ऐसे कर रहे थे, तो पैसे से दूर होकर ऐसा फोटो खिंचा रहे थे, ऐसा था। तो उन्होंने प्रभुपा जी के शिष्यों ने बोला, देखिए प्रभुपा जी कितने डिटैच। प्रभुपा जी ने बोला, मेरा एक ऐसा फोटो खींचो कि नोटों का पूरा बंडल है, मैं ऐसे उसको एम्ब्रेस कर रहा हूँ ये। तो भक्ति में सिद्धांत है कि कैसे हम भगवान की सेवा में उसको एंगेज कर सकते हैं। एक बार प्रभुपाद जी से मिलने एक व्यक्ति आया और देखा प्रभुपाद जी पैसे गिन रहे हैं, बहुत सारे पैसे हैं प्रभुपाद जी गिन रहे हैं, और अपने शिष्यों से बोल रहे हैं, अच्छा तुम कितना डोनेशन लाए हो दूसरे। तो व्यक्ति देख रहा था, सब बिल्डर हो गया वो देख के, बोला अरे साधु है, पैसे की बात कर रहा है और पैसा गिन रहा है। तो उसने देखा, प्रभुपाद जी ने देखा कितना लक्ष्मी आया, तो जितना लक्ष्मी था तो तुरंत उसमें से आधा एक तीसरे व्यक्ति को बुलाया, इसको बोला इसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दो, और बाकी जो आधा था दूसरे एक व्यक्ति को बुलाया, एक डिवोटी को बुलाया, टेम्पल कंस्ट्रक्शन में यूज कर दो। तो सिद्धांत ये बताया गया है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू कृष्ण, सो इफ वी एक्युमुलेट फॉर आवरसेल्फ दैट इट अटैचमेंट, इफ वी लीव इट इज रिनन्सिएशन, इफ वी यूज इट फॉर कृष्णा सर्विस दैट इट डिटैचमेंट, थ्री थिंग। तो अगर हम अपने लिए रखेंगे तो आसक्ति है तो बंधन में पड़ जाएंगे, और केवल त्याग कर देंगे तो वो भी फाल्गु वैराग्य। जैसे बिहार में एक नदी है, उसका नाम है फाल्गु नदी। तो एक बार मैं वहां गया था ट्रैवल करने, तो वो फाल्गु नदी है, सीता जी ने उसको श्राप दिया है। तो वहां आप जाएंगे तो रेत दिखेगा केवल, लेकिन आप थोड़ा सा 1 फीट 2 फीट मतलब ऐसा हाथ से नीचे करेंगे तो पानी रहता है, तो उसको फाल्गु नदी बोला है। हाँ, तो उसका कुछ मतलब नहीं है, 1 2 फीट आपको नीचे अगर डिग करना पड़ रहा है, इसलिए फाल्गु नदी है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, कर्म को मत छोड़ो, जो कर्म है उसको मत छोड़ो, ये उसको डाउटेल करो इस तरह से। तो कर्म योग बेटर है रिनन्सिएशन से, भगवान बता रहे हैं, क्योंकि उसको डाउटेल किया जा सकता है ये। अब तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, गे सा नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि सुखम महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। गे सा नित्य संन्यासी, एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं भगवान अर्जुन का। गे मतलब ये तुम जानना चाहिए, तुमको क्या जानना चाहिए, गे सा नित्य संन्यासी, वो व्यक्ति नित्य संन्यासी है, वो संन्यासी ही है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति है, जो ना किसी से द्वेष करता है ना किसी चीज की आकांक्षा करता है, क्योंकि सन्यासी का लक्षण है कि वो ड्यूअलिटी से परे रहता है। निर्द्वंदो हि मुखम महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति सन्यासी है जो द्वंद्वों के परे है, और निर्द्वंदो हि महाबाहो, और सुखपूर्वक सुखम बंधात प्रमुच्यते, बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म योगी है
वो सन्यासी के गुण उसको वैसे ही मिल जाते हैं, जो सन्यासी के गुण है कि वो किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी चीज की इच्छा नहीं करता है। लेकिन क्या है, कर्मयोगी बेटर है क्योंकि वो सुख पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, जो कर्म सन्यासी उसको बहुत मेहनत लगती है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं जो चीजों का त्याग करता है संसार में, केवल कर्म का त्याग करता है, वही केवल त्यागी नहीं है, वही केवल सन्यासी नहीं है, जो कर्म के फल का त्याग करता है वो सन्यासी है। 18 चैप्टर में भी इसको वापस से क्लियर करेंगे। नित्य सन्यासी जो कर्म फल से आसक्त नहीं है, हाँ, और बंधात प्रमुच्यते, वो लिबरेटेड है। तो अर्जुन सोचते हैं कि वो व्यक्ति लिबरेटेड कैसे है, तो भगवान इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे वाले श्लोक में, नेक्स्ट श्लोक है उसमें एक्सप्लेन करेंगे कैसे व्यक्ति लिबरेटेड है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कर्म योग ज्ञान योग, इन दोनों में तो कोई अंतर है नहीं ज्यादा। ये क्यों क्यों अंतर नहीं है, क्योंकि ये कर्म योग है, ज्ञान योग है, दोनों के द्वारा व्यक्ति उसको फल को प्राप्त करता है। नित्य सन्यासी वो हमेशा सन्यासी है, जो ना किसी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, ना किसी से द्वेष करता है ना किसी चीज की आकांक्षा करता है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं जो अटैचमेंट और अवर्जन है इस संसार में, इससे तुमको ऊपर उठना है। ये तो अभी जो कर्म योगी है किसी से द्वेष नहीं करता, किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशन लेस है। इसका मतलब वो नहीं है कि वो इमोशन लेस है, उसमें इमोशंस हैं पर वो इमोशंस जो है वो मटेरियल लेवल पे नहीं, मटेरियल इमोशंस नहीं। अब ऐसा नहीं है कि वो एक स्टोन रहेगा जो कर्म योगी है, किसी से प्रेम नहीं, किसी से द्वेष नहीं, वो भौतिक स्तर पे नहीं रहेगा। भौतिक स्तर पे अगर व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसमें द्वेष भी उत्पन्न हो जाएगा। जयद्रथ महाराज एक बार एक क्लास ले रहे थे, तो महाराज ने क्लास स्टार्ट किया तो महाराज बोलते हैं व्हाई यू फाइंड वॉर, इस संसार में युद्ध क्यों होता है, द्वेष क्यों होता है इस संसार में, तो महाराज बोलते हैं बिकॉज यू लव, क्योंकि आप प्रेम करते हैं। तो क्योंकि प्रेम करते हैं इसीलिए द्वेष है, क्योंकि शांति चाहते हैं इसीलिए युद्ध है। मतलब क्या है, जैसे यू लव इंडिया तो यू विल हेट पाकिस्तान, करेक्ट। ये भौतिक स्तर पे तो भारत से प्रेम करते हैं तो अपने आप पाकिस्तान से हम द्वेष करते हैं। तो भौतिक स्तर पे हमेशा ड्युअलिटी रहती है, द्वंद्व रहता है। तो प्रेम करेंगे किसी से तो किसी से अपने आप द्वेष होगा भौतिक स्तर पे। भौतिक स्तर पे सो इफ वन सेज आई वांट पीस, एक व्यक्ति बोलता है मुझे शांति चाहिए, हाँ, यू कैन हैव पीस ओनली व्हेन देयर इज वॉर। हाँ, कभी एक व्यक्ति को शांति चाहिए फिर युद्ध होना करना पड़ेगा। इसीलिए आजकल देखते हैं, देखिए कि पीस के लिए युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका बोलता है कि वी वॉन्ट टू ब्रिंग पीस, इसीलिए दे आर वेजिंग वॉर, हम शांति स्थापित करना चाहते हैं इसलिए हम युद्ध कर रहे हैं। तो दो साइड है कॉइन की, इच्छा और द्वेष। तो भगवान बता रहे हैं जो व्यक्ति कर्म योग में लगता है, यानी भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस प्रकार से लिखते हैं, तो वो व्यक्ति इन चीजों से मुक्त हो जाता है, वो नित्य सन्यासी है और सुखम बंधात सुख पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। अब वो एक्सप्लेन करते हैं उसका रीजन, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम आप्या स्थिता सम्यग उभयो विन्दते फलम। सांख्य योगो, सांख्य यहाँ पे शब्द यूज हुआ है ज्ञान योग के लिए या कर्म संन्यास के लिए, जो ज्ञानी है, योगो योग हुआ है शब्द यूज कर्म योगी के लिए, और जो कर्म योगी है पृथक, इन दोनों को अलग अलग जो देखता है, बाला बाला मीन्स वो लेस इंटेलिजेंट है, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं बालक, हाँ, चाइल्डिश इंटेलिजेंस है उसका, जो सोचता है कि ज्ञानी अलग है और जो कर्म योगी है अलग है। प्रवदंती न पंडिता, लेकिन जो पंडित लोग हैं वो ऐसा नहीं सोचते, क्यों नहीं ऐसा सोचते, एकम ही एकम आप्या स्थिता सम्यक उभयो विन्दते फलम्। किसी भी पथ का अनुसरण करके
व्यक्ति दोनों के फाइनल रिजल्ट को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो श्लोक है इसका एक्सप्लेनेशन आगे आएगा और डिटेल में। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं इस श्लोक में, यत सांख्य जो सांख्य के द्वारा प्राप्त होता है, योगो जो योग के द्वारा प्राप्त होता है, कर्म योग के द्वारा प्राप्यते स्थानम। स्थानम मीन्स डेस्टिनेशन। तो जो डेस्टिनेशन ये योग या सांख्य दोनों के द्वारा प्राप्त, किसी के द्वारा प्राप्त होता है। अच्छा, तद उद्योग है रपि गम्य। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं सांख्य योग और ये एक ही है। सांख्य योग मतलब कर्म का संन्यास या ज्ञान योग, और कर्म योग एक ही है। इसको अलग अलग बच्चे सोचते हैं जिनका चाइल्डिश इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुआ है। तो एक कैसे है दोनों? एक इस तरीके से है कि फल एक है, दोनों लोग एक ही रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। तो दोनों लोग एक रिजल्ट को प्राप्त करते हैं, फिर लोग उसको अलग अलग क्यों देखते हैं? क्योंकि प्रोसेस अलग अलग। तो एक व्यक्ति प्रोसेस को देखता है, तो जो प्रोसेस को देखता है उसको लगता है ये अलग अलग है, लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो रिजल्ट को देखता है। तो जो रिजल्ट को देखता है उसको समझ में आता है कि एक ही है। इसका मतलब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक्सप्लेन किया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, जो सांख्य वाला व्यक्ति है, सांख्य का मतलब होता है एनालिसिस, या जो ज्ञानी है वो एनालाइज करता है कैसे इस संसार में कोई सुख नहीं है, इसमें दुख ही दुख है, तो सारी चीजों को एनालाइज करता है। ये तो जब वो एनालाइज करता है तो इस निष्कर्ष पे निकलता है कि संसार में कुछ सुख नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे कोई भी चीज है, जब आप उसको एनालाइज करके उसके तत्वों में विभाजित कर देंगे तो उससे आकर्षण चला जाएगा। उससे आकर्षण क्या होगा? वो चला जाएगा। जैसे कि जैसे आइसक्रीम है, अभी आइसक्रीम सुनते ही व्यक्ति को लगेगा इसको खाना चाहिए, इसको टेस्ट करना चाहिए, अच्छा है। लेकिन आपने उसको तत्वों में विभाजित कर दिया, आपने दूध अलग रख दिया, क्रीम अलग रख दिया। एक व्यक्ति को आइसक्रीम दिया तो आकर्षित हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति को आपने एक बाउल में थोड़ा सा दूध दे दिया, दूसरे बाउल में चीनी है, तीसरे बाउल में क्रीम है, और एक एसेंस की बॉटल आपने रख दी, अब वो आकर्षित नहीं होगा। ये सांख्य। तो इसी तरह से वो संसार का जब विश्लेषण करता है वो इस निष्कर्ष पे आता है कि ये संसार में तो कुछ है नहीं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य की पहली लाइन में लिखा है, भौतिक जगत के विश्लेषण विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु है। हाँ, तो वो सांख्य योगी है। जैसे एक पेड़ है, तो सांख्य योगी क्या करता है? ये पत्ती देखता है, दूसरा पत्ती देखता है, तीसरा पत्ती देखेगा, शाखाएं देखेगा, उसके लिए संसार में तो सारा विश्लेषण करके वो फाइनली पेड़ की जड़ तक पहुंचता है। जड़ क्या है? विष्णु। इस संसार की जड़ क्या है? विष्णु। हाँ, भगवान से सब निकल रहा है, जन्मादियस्य यतः। तो एक व्यक्ति पूरा एनालिसिस करके विश्लेषण करके उस जड़ तक पहुंचता है, और जो भक्त है वो भगवान की सेवा में लगा है। तो ये डिफरेंस है। हाँ, तो इसमें पॉइंट क्या है कि जो सांख्य योगी है वो इतना एनालिसिस करके, जब वो इतना एनालिसिस करके उसने पेड़ की जड़ को पता कर लिया कि ये पेड़ की जड़ है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा? वो नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा? उसको भी भक्ति करनी है ना। पेड़ की जड़ पता चली, उसको भी वहीं पानी डालना है, और जो भक्त है वो ऑलरेडी डायरेक्ट पानी डाल रहा है, वो भगवान की सेवा में लगा है। तो दोनों का रिजल्ट एक हो गया। तो सांख्य योगी है वो भी इतना एनालिसिस करने के बाद वही करने वाला है। इसलिए जो भक्ति का पथ है, जो पाथ ऑफ भक्ति है, ये इजियर है और बेटर है। अब नेक्स्ट श्लोक में उसको एक्सप्लेन करते हैं, यद सांख्य प्राप्यते स्थानम तद उद्योगे रपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। तो इस श्लोक में भगवान एक्सप्लेन करते हैं, यद सांख्य प्राप्यते स्थानम, तो सांख्य के द्वारा, एनालिसिस के द्वारा वो जिस डेस्टिनेशन को प्राप्त करता है तद उद्योगे अभिगम्यते, योग के द्वारा भी वो उसी को प्राप्त करता है। ये एकम सांख्यम च योगम च। इसी तरह जो सांख्य और योग को एक ही देखता है वही वास्तव में सही तरीके से देखता है। ये तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, जो इस तरीके से देखता है वो सही तरीके से देखता है। तो सांख्य भी वही है, योग भी वही है,
अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये दोनों पथ में डाइवर्सिटी है लेकिन गोल में यूनिफॉर्मिटी है। तो यहाँ पे भगवान ये नहीं बोल रहे कि आप कुछ भी करो एक ही उद्देश्य को आप प्राप्त करोगे, ये तो मत ततो पथ, ये भगवान ने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया है मिसकंसेप्शन। कोई व्यक्ति बोलता है आप किसी की भी पूजा करो कुछ भी करो वही उद्देश्य प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अरे तुम सांख्य करो योग करो एक ही चीज प्राप्त होगी, यहाँ पे भगवान केवल इन्हीं दोनों के लिए बोल रहे हैं, ये दो स्पेसिफिक पाथ के लिए भगवान बोल रहे हैं। एक पाथ है कर्म संन्यास वाला ज्ञान योग का पाथ, एक पाथ है कर्म योग वाला, भगवान बोल रहे हैं इन दोनों से तुम एक ही गोल को प्राप्त करोगे। भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम कुछ भी करो तो एक ही गोल को प्राप्त करोगे, इसमें अंतर है ये। तो पॉइंट ये है अगर कोई व्यक्ति ज्ञान के उस स्तर पे है और वो कर्म का त्याग भी कर देता है तो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति उस स्तर पे नहीं है भगवान के लिए क्रियाओं को कर रहा है तो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, ये सिद्धांत है। अब यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि ये दोनों चीजों से एक ही उद्देश्य को तुम प्राप्त करोगे, लेकिन योगा लेटर जो भगवत गीता में है सबसे नीचे कर्म कांड रहता है, उसके बाद कर्म योगा, उसके बाद ज्ञान योगा, उसके बाद भक्ति योगा। तो जब ज्ञान योग भक्त कर्म योग से हायर है इन जनरल, तो भगवान क्यों बोल रहे हैं कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों सेम है ये। तो गोल के सिद्धांत में बोल रहे हैं कि जो गोल व्यक्ति प्राप्त करेगा, जो ज्ञान योगी है जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो भी भक्ति में उसको लगना पड़ेगा, इसी तरह जो कर्म योगी है उसको भी भक्ति में लगना पड़ेगा। तो थर्ड चैप्टर में भगवत गीता के भगवान ने एक्सप्लेन किया अर्जुन को कि तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम कर्म योग करो, फिर भगवान बताते हैं कि जो ज्ञान योगी है उसका क्या क्वालिफिकेशन है। तो भगवान बताते हैं कि ज्ञान योग का क्वालिफिकेशन हायर है कर्म योग से थर्ड चैप्टर में। अब ये बताने के बाद भगवान अर्जुन को बोलते हैं अगर तुमको लगता है कि तुम ज्ञान योग की क्वालिफिकेशन में हो, हाँ अगर तो तुम ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड नहीं हो और कर्म का त्याग करोगे तो मिथ्याचारी बन जाओगे, और अगर तुम ज्ञान योग के लिए योग्य हो तभी भी तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम कर्म योग करो टू सेट एन एग्जाम्पल। ये भगवान ने थर्ड चैप्टर में बताया कि तुम्हारे लिए बेटर है वो। लेकिन यहाँ पे भगवान ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि डेस्टिनेशन वाइज ऐसा नहीं है, ज्ञान योग प्रोसेस वाइज हायर है लेकिन डेस्टिनेशन वाइज एक ही डेस्टिनेशन दोनों प्राप्त करते, ये यहाँ पे सिद्धांत बता रहे हैं। जो इस तरीके से देखता है वही असली सियर है, या पश्यति स पश्यति। तो जनरली जो भक्ति योग की एक्टिविटीज है वो सिंपल है, लेकिन अगर व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कर रहा है तो बहुत स्पेशल है। जैसे जो साधारणतर व्यक्ति की अपेक्षा रहती है कि अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में है तो वो व्यक्ति उस तरीके से रहना चाहिए, बिल्कुल किसी से बात नहीं कर रहा है, एकदम शांत है, एकदम ग्रेव है, हर समय किसी ना किसी चिंतन में लगा है, तो ऐसे व्यक्ति को देखेंगे या ऐसे किसी हम साधु को देखेंगे तो हमको लगेगा ये शायद भक्ति में बहुत उन्नत है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ क्रिया नहीं कर रहा है ये। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा। हाँ फाइनल चीज क्या है कि यावन्न प्रीति मई वासुदेव, भगवान के प्रति उसका आकर्षण होना चाहिए। तो भगवान की सेवा में लगना ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक्सटर्नली व्यक्ति ऐसे देख सकता है लेकिन असली सियर या पश्यति स पश्यति इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है जो देख पाता है कि दोनों में देख पाता है कि दोनों का रिजल्ट एक है ये। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति वो इस सिद्धांत को जानता है, जैसे एक्सरे रहता है तो मैं और आप देखेंगे तो समझ नहीं आएगा ज्यादा, वो डॉक्टर देखेगा तो डॉक्टर को समझ में आएगा। हाँ तो दोनों लोग देख रहे हैं लेकिन जिसके पास ज्ञान है वो व्यक्ति सही से देख सकता है। तो जो ज्ञान योगी है पेड़ की जड़ को फाइंड आउट करने में उसके कई जन्म लग जाते हैं, क्योंकि भौतिक संसार का जो पेड़ है ये भी साधारण पेड़ नहीं है ना, 15 चैप्टर में बताया ऊर्ध्वमूलं मदाशाखं, ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स भी है ये। और जो भक्ति भक्ति योगी है उसको थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट पेड़ की जड़ में पानी डाल रहा है,
वो ज्ञान योगी को भी फाइनली वही करना है, बहु नाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समाहात्मा दुर्लभ। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सुपरफिशियल दृष्टि से अगर व्यक्ति देखेगा तो उसको लगेगा एक प्रोसेस में डिटैचमेंट है, दूसरे प्रोसेस में अटैचमेंट है। कर्म योग में ये अर्जुन सुपरफिशियल दृष्टि से देख रहे थे, तो उसको लग रहा है यहाँ मैं बंधन में पड़ जाऊंगा, यहाँ मैं कर्म का त्याग करके मुक्त हो जाऊंगा, पर ऐसा नहीं है। ये डिटैचमेंट की स्पिरिट में कर्म करना इम्पॉर्टेंट है। ये अब अर्जुन सोचते हैं अगर दोनों सेम है, कर्म योग और कर्म संन्यास सेम है, तो मैं कर्म संन्यास कर लेता हूँ ना, कर्म का त्याग कर देता हूँ। आप ही तो बोल रहे हैं दोनों सेम है, तो भगवान अगले श्लोक में एक्सप्लेन करेंगे सेम है लेकिन कर्म संन्यास में बड़ा दुख है। कल देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद।